सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के ग्रुपिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से, जहां पे सवाल यह था कि आपके पास जो पावर बैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आप इस बोला 62% ने पावर बैंक है ही नहीं, हुई हम यूज करते नहीं। और ऐसे में फिर अलग अलग लोगों ने जवाब दिया है अलग अलग कैपेसिटीज के हिसाब से। अब दोस्तों ऐसे में आज का सवाल जो है मेरा आपसे वो कुछ ऐसा है कि क्या आपको ऑन अ डेली बेसिस यार कोई स्पैम फ्रॉड वाले कॉल्स वगैरह या मैसेज वगैरह आते रहते हैं क्या? मतलब काफी फ्रिक्वेंटली क्या ऐसा काम होता है आपके साथ में जहाँ पे कोई कोशिश कर रहा है कि आपको जो है वो मामू बनाया जाए और थोड़ा सा माल निकाला जाए? बताना जरूर सीधा दोस्तों क्या जवाब पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कॉमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत साथ दरबार वीडियो में सीधा का सीधा लाइक बटन को। यहां दोस्तों बात करते हैं पहले बिट को लेकर निकल के आता है ट्विटर की तरफ से। यहां दोस्तों अभी जो है वो वेरिफिकेशन वाले जो पूरे प्रोसेस है वो दोबारा ट्विटर ने शुरू कर दिया है। तो भैया अगर ऐसे में किसी का अभी तक भी वेरीफाइड नहीं था अकाउंट और यहां पे दोस्तों अभी अगर जो प्रोसेस पे को जाना चाहे तो जा सकते हैं, बड़ा ही आराम से ऑटोमेटेड जो है वो प्रोसेस है और काफी आराम से यहां पे वेरिफिकेशन अभी हो सकता है अगर जो यूजर है वो एलिजिबल है इसी वेरिफिकेशन के लिए। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पे हमारे पास में ओपरा को लेके, हम बात कर रहे हैं गेमिंग ब्राउजर की। यहां पर दोस्तों एक गेमिंग सेंट्रिक मोबाइल ब्राउजर जो है वो लॉन्च कर दिया ओपरा ने, ओपरा GX मोबाइल। मतलब गेमिंग फोन सुना था, गेम सुने थे, गेमिंग ब्राउजर क्या होता है? एनीवेज वर्ल्ड्स फर्स्ट गेमिंग ब्राउजर आ गया है ओपरा GX मोबाइल। अगला उस अपडेट निकल के आता है हमारे पास में स्नैप को लेके, और यहां पर दोस्तों जो स्नैपचैट वाली कंपनी है ना वो लेके आ गई है नए ऑगमेंटेड रियलिटी वाले स्पेक्टिकल्स, लेकिन इनको हम खरीद नहीं सकते हैं, वी कांट बाय, बिकॉज यहां पर दोस्तों ये है डेवलपर्स वगैरह के लिए, हमारे लिए फिलहाल नहीं है, लेकिन दिखने में बड़े कूल से लगते हैं। मतलब फ्यूचर में यार सब ना स्मार्ट ग्लासेस लगा के घूमेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं सामने आएगी। आयरन मैन की याद आ रही होगी वैसे आपको। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में सीधा सीधा सैमसंग को लेकर, और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो हो गया है लॉन्च से पहले लीक Geekbench लिस्टिंग पे, और मालूम चलता है कि इसमें होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, काफी दमदार होगा यही गैलेक्सी S21 FE फोन। अब देखते हैं कि आखिर ये कब लॉन्च होता है और किस कीमत के साथ में। यहाँ पर दोस्तों अगली कहानी आती है हमारे पास में निकल के एयरटेल को लेके, जहाँ पर दोस्तों एयरटेल के जो CEO है दोस्तों ने वार्निंग दी है कि यार अभी जो है कोविड के दौरान बहुत सारे जो है वो तरह तरह के साइबर फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी रिस्क काफी बढ़ जाती है। तो जितने भी आप सभी यूजर्स हैं मोबाइल फोन वाले यार वो संभल के रहो, मतलब अलग अलग तरीके से अभी भी जो स्कैमर्स हैं जो फ्रॉडस्टर हैं यार वो कोशिश करते हैं कि वो अभी भी पैसे कमाए चार, मतलब पता नहीं कहाँ है दिल, समझ नहीं आता है, अभी भी मौका ढूंढ रहे हैं कि हम कोई स्कैम कर लें पैसे कमा लें। तो चल रहा है तो यार बच के रहो प्लीज, आज के टाइम में ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, ऑनलाइन अटैक्स होते तरह तरह के। अगला उस अपडेट निकल के आता है हमारे पास में गूगल को लेकर, गूगल जो है वो अभी अपना इस साल पहला फिजिकल स्टोर शुरू करने वाला है न्यूयॉर्क में। तो अभी ऐसे में देखते हैं कि ये स्टोर जो है ये क्या कुछ खास लेके आता है, और एप्पल के तो काफी स्टोर्स हैं ही, गूगल के भी क्या दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हो पाते हैं या नहीं। अगला उस अपडेट निकल के आता है हमारे पास में गूगल को ही लेकर, और गूगल का जो पहला फोल्डिंग फोन होने वाला है फोल्डिंग पिक्सल, उसमें होगा एक अंडर डिस्प्ले कैमरा, ऐसे दोस्तों मालूम चलता है हमको लीक से कुछ कुछ जो है वो गूगल की तरफ से चीजें निकल के आ रही है। तो ऐसे में मजा बेहतरीन आएगा फोल्डिंग फोन का, मन में लड्डू फूटा नाम सुनते ही बेसिकली। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है वन प्लस को लेकर, जहां पर दोस्तों वन प्लस वॉच साइबर पंक एक दोस्तों जो है एडिशन उसका लॉन्च होने वाला है 24 मई की डेट निकल के आ गई है। देखते हैं मतलब ये किस कीमत पे वन प्लस इस वॉच को लॉन्च करता है, वैसे स्पेशल एडिशन है, मजा तो बहुत शानदार सा आएगा। यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप जो है वो अभी अगर आप एंड्रॉयड और आईफोन के बीच दोस्तों आप जो है वो चेंज वगैरह करते रहते हैं तो ऐसे में डेटा जो है चैट वगैरह जो है वो काफी मुश्किल होती है ट्रांसफर करने में, लेकिन अभी व्हाट्सएप जो है वो चैट हिस्ट्री को बड़े आराम से आपको माइग्रेट करने का ऑप्शन दे देगा। तो यार ये काफी एक आसानी है अगर आप अपना नंबर चेंज करते हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एपिक गेम्स को, जहां पे फिलहाल दोस्तों चल रही है मेगा सेल, $10 के कूपन वगैरह मिल रहे हैं दोस्तों, ₹750 के करीब करीब आपको फायदा मिल जाएगा अगर आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं तो, जाके एपिक गेम्स की इसी सेल का फायदा उठा लो, क्या पता कहीं छूट मिल जाए थोड़ी बहुत तो भला हो जाए हम सभी का। यहाँ दोस्तों अगली कहानी निकल के आती है एसुस को लेके, और यहाँ दोस्तों एसुस जो है वो इंडिया में अपना जो नया फोन दोस्तों है वो लेके आने वाला है बहुत जल्दी, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं Zenfone 8 सीरीज की। दोस्तों इंडिया में शायद ये 8Z के नाम से लॉन्च हो सकता है, लिखा है कमिंग सून टू इंडिया, बिग ऑन परफॉर्मेंस, कॉम्पैक्ट इन साइज,
प्राइस में भी कॉम्पैक्ट रहेगा तो मज़ा और ज़्यादा आ जाएगा। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है हमारे पास में वन प्लस को लेके, और ऐसे में दोस्तों सब जो ब्रांड्स हैं वो अपनी वारंटी को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वन प्लस ने भी दोस्तों अभी वारंटी को एक्सटेंड कर दिया है इंडिया में कोविड के चलते, जिससे लोगों को फिलहाल जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर। और भैया ऐसे पहली बात तो कि गूगल प्ले पे ना इतने सारे फेक दोस्तों आ गए हैं, तरह तरह के भैया गेम्स बन बन के बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का नाम रखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, मतलब सबको लगता है हम भी ले ले कुछ क्लिक, हम भी ले ले कुछ डाउनलोड्स। तो यहां तो उससे सीन चल रहा था, ऐसे में आप भैया किसी भी ऐसे फेक गेम के चक्कर में मत पड़ना, असली वाला जो है उस पर जाके प्री रजिस्टर कर लेना और ऐसे में उसी का करना इंतजार। तरह तरह के जो है वो एपीके जी एप्स वगैरह उनका कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्तों दूसरी बात निकल के आता है अपडेट हमारे पास में कि जो चीटिंग वाला सीन है वो भैया बहुत रोकने की कोशिश करने वाला है क्राफ्टन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं एंटी चीट मैकेनिज्म जो होगा वो काफ़ी सॉल्व होने वाला है, जो कि अब होता है ना वो बैन पैन वाला, तो वही सीन चलने वाला है यहाँ पे इंडिया में। तो मतलब जो भी हमारे होंगे बहुत ही गेमर्स वगैरह जो गेम खेलेंगे या जो आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो भैया चीटिंग नहीं चल पाएगी अभी इसके अंदर, एकदम नॉर्मल काम करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में रियलमी को लेकर। यहाँ पे दोस्तों रियलमी ने डी अनाउंस कर दिया है टेक लाइफ डिवीजन में, और यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं स्मार्ट होम डिवाइसेस की, तो रियलमी का डी आ गया है सामने, मी करते ज्यादा मजा आता डी की हो जाए यार। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लास्ट गूगल को लेकर, बात दोस्तों कर रहे हैं गूगल पिक्सल 6 पिक्सल 6 प्रो स्मार्टफोन्स की, तो ऐसे में कुछ नए रेंडर्स निकल के आए हैं। और यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो ये जो पिक्सल 6 प्रो है वो अपना लेके आएगा एक पेरिस्कोप जूम लेंस, काफी इंटरेस्टिंग सा सीन होने वाला है। अब लेट्स सी कि ये फोन्स आखिर कब लॉन्च होते हैं, वो फोल्डिंग पिक्सल भी साथ में कब आता है, और क्या हम इंडिया में सभी फोन्स देख पाते हैं या नहीं। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।